नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रानी की कहानी जो अपने ही ससुराल में नौकरानी बनकर रहती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। राजा एक भोग विलास आदमी था जिसे हर वो स्त्री चाहिए होती थी जिस पर उसकी नजर पड़ जाती। इस वजह से रानी बहुत दुखी रहती थी और उसने औरतों को महल में आने पर रोक लगा दी थी। बेचारी पति के दुख से और संतान न होने के दुख से दुखी रहती थी। राजा अपने रंग में ही व्यस्त रहता था, उसको रानी के दुख की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, उसे संतान नहीं होने का दुख भी जरूर था। उसकी भी एक वजह थी कि उसके बाद उसके वंश को कौन चलाएगा। उसे संतान से कोई प्यार नहीं था, उसे संतान के मोह ने घेर रखा हो। रानी शोक की वजह से कई कई दिन बीमार पड़ी रहती थी। एक दिन बैद्य जी ने आकर राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर के राजा के साथ साथ पूरे महल में खुशी छा गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा भी अपने रंगारंग कार्यक्रमों से बाहर आने लगा। 8 महीने बाद ही रानी ने एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सूरज की लालिमा से गाल उसकी रोशनी सी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बाहर ने स्वयं कन्या के रूप में आकर जन्म ले लिया हो। रानी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे जैसे जीवन में जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। वो उस मासूम के छूने से ही उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती थी। जैसे अब रानी को कोई दुख ही नहीं रहा। उसने अपनी पुत्री का नाम रेवती रखा। लेकिन राजा पुत्री के जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने तो अपनी पुत्री का मुख तक नहीं देखा और रानी को आदेश दे दिया कि वो रेवती को कभी भी उसके सामने न आने दे, वरना राजा अब रानी को राज्य से निकाल देगा। वो फिर से रानी से कट कर रहने लगा। उसका व्यवहार रानी के प्रति पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे, क्योंकि समय तो अपनी गति से चलता है, धीरे धीरे 10 साल बीत गए। राजकुमारी 10 साल की हो गई। रानी को अब उसकी विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पहले बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और जब वो शादी योग्य हो जाती थी तब उसका गौना किया जाता था। राजा भले ही रानी या राजकुमारी के बारे में कुछ न सोचता हो, लेकिन उसे समाज की चिंता जरूर थी। उसके पास के ही अपने छोटे से राज्य के एक राजकुमार थे जिनका नाम बल्लभ सिंह था। राजकुमारी रेवती का उनके साथ उन्होंने विवाह बड़े धूमधाम से करवाया। समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो गई। अब वो पहले से भी अधिक सुंदर और बुद्धिमान हो गई थी। अब राजकुमारी रेवती का गौना जाना था। उसकी वर्षगांठ के कुछ दिनों बाद ही उसके ससुराल से गौने का न्योता आया। 1 महीने बाद की तारीख रखी गई, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जौहर रानी बीमार रहने लगी और उसका देहांत हो गया। उसके देहांत के पहले उन्होंने जो राजा से मुलाकात की थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे और उन्हें अपनी पुत्री की सबसे ज्यादा चिंता थी, इसलिए वह अपनी पुत्री को, जो अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले राजा के कक्ष में गई थी, और उन्होंने बड़ी नम्रता से आंसुओं के साथ एक आशा भरी नजरों से राजा को देखते हुए रानी ने कहा था, राजन, मुझे पता है आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी। मैं अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अब आपको सौंपती हूँ। जब तक कि उसका गौना नहीं हो जाता, आप उसका ध्यान रखिएगा। उसके गौने की धूमधाम में कोई कमी न छोड़िए। बस मेरी आपसे यही आखिरी विनती है। राजा भी रानी के हाथ, हालात देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर और कहता है कि वह अपनी पुत्री का ध्यान रखेगा।
रानी के देहांत के बाद राजा रेवती को संदेश भिजवाता है कि वह दरबार खत्म होने के बाद रेवती से मिलने आएगा। रेवती आज बहुत खुश थी। वो अपने बीते हुए जीवन में पहली बार अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा रेवती के कमरे में आया और उसे आवाज लगाई। एक बार को उसको उसे उसका नाम भी याद नहीं आया तो उसने केवल राजकुमारी कहकर ही आवाज लगाई। राजकुमारी रेवती, आपको मेरा नाम भी याद नहीं है, राजा से कहने लगी। राजकुमारी ने उनकी बात को पूरा करते हुए कह दिया। तो राजा, जो कि कमरे की दूसरी खिड़की की तरफ राजकुमारी खड़ी हुई थी, मुस्कुराते हुए राजा के सामने आई तो राजा रेवती को देखकर देखते ही रह गया। वह तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे की चंचलता और आभापन उसे भा गया। उसने आज तक इससे सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। वो शायद भगवान की अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत कन्या जो उसके सामने खड़ी है, यह वो उसकी पुत्री है जिससे वो जन्म से ही नफरत करता है। वो अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, एक तरह का लालच छलक रहा था। वो उसको देखते ही अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उसके कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ गया। उसकी आंखें अब कुछ और देखने के लिए तैयार नहीं थी। कान कुछ और सुनना नहीं चाहते थे। दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। दिन पूरा दिन बीत गया। राजा उस रात सोया भी नहीं और यह अचानक ये रात कुछ भयानक सी उसे प्रतीत होने लगी। राजा के दिमाग में कुटिलता घर कर रही थी। वो अपनी मनुष्यता से भटकने लगा। वो अपनी पुत्री की गलत भावना रखने लगा। उसके मस्तिष्क में रेवती की छवि उतर ही नहीं रही थी। हजारों तर्क वितर्क, हजारों सवाल, हजारों जवाब उसके दिमाग में चल रहे थे। इधर राजकुमारी रेवती अपने पिता के व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि उसे अपने पिता के चेहरे पर जो भाव दिखे ही नहीं कि वह अपनी बेटी से मिलने आए हैं। उनके चेहरे पर तो वे भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर मिलते हैं। एक लालची सुनार को खुद के घर में ही जैसे ढेर सारा सोना मिल गया हो। आज राजा ने सुबह उठते ही साथ में अपने नौकर को आवाज लगाई और उसे बग्घी तैयार करने को कहा। राजा नहा धोकर तैयार हुआ और एक महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। वो अपने साथ एक नौकर को भी लेकर गया जो कि बग्घी हांकने वाला था। राजा महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गया। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ राजन, आज यहाँ कैसे, क्या कोई गंभीर समस्या है? राजन ने कहा, नहीं प्रभु, बस एक उलझन में हूँ। तो महात्मा ने कहा, बताओ क्या उलझन है? राजा कहने लगा, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद उसे में फल आए, और जिसने वह फल लगाया है क्या वह उसके फल किसी और को देने के बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं खा ले तो यह क्या कोई अपराध होगा, या इसके लिए कोई जो निंदनीय या दंडनीय होगा? महात्मा कहने लगे, नहीं राजन, ये सत्य नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। उस पर तो आपका हक बनता है। इतना कहकर राजा ने कहा, धन्यवाद महात्मा जी, आपने मेरी सारी उलझन खत्म कर दी। और वो महात्मा से विदा लेकर अपने राज्य वापस आ गया। राजकुमारी अपने पिता से बात करने के लिए उनके महल में ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता कहीं बाहर गए हैं। राजा के आने पर राजकुमारी रेवती नौकर को भेजती है। वो राजा को संदेश दे कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती है, परंतु राजा राजकुमारी से मिलने के लिए साफ मना कर देता है। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय राजा एक संदेश लिखकर नौकर के हाथ उस राज्य में भिजवाता है जिस राज्य के राजकुमार से रेवती की शादी हुई थी। नौकर संदेश लेकर पहुंच गया। उसे वहां पहुंचने में एक पूरा दिन लगा। वो रात को उसी राज्य में रुका और दूसरे दिन दरबार लगते ही महल में पहुंच गया। संदेश सबके सामने पढ़ा गया। वो नौकर भी जब संदेश पढ़ा जा रहा था तो वही महल में मौजूद था।
संदेश में लिखा था, प्रिय राजन, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र रेवती अपनी माँ की मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं ये सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और अपनी बेटी के खोने के दुख से नहीं उबर पा रहा था। आप मेरी पुत्री को भूलकर अपने पुत्र का विवाह किसी और कन्या से संपन्न करवा दीजिए। यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। आपका शुभचिंतक पेरू राज्य का राजा हरिहर सिंह ये संदेश सुनते ही सारी सभा और राजा का संदेश लाने वाला नौकर खुद सकते में आ गया। नौकर ने जल्दी ही राजा से अपने राज्य वापस जाने की आज्ञा मांगी और अपने सफर पर निकल गया। वह जल्द से जल्द महल पहुंचकर राजकुमारी से मिलना चाहता था, क्योंकि वह रानी का बहुत सम्मान करता था और राजकुमारी का भी। उसे सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि राजा ये सब कांड करके कुछ तो अनिष्ट करने वाला है, और वो अनिष्ट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी के साथ जुड़ा हुआ है या उनके साथ ही हो सकता है। इधर राजकुमार बल्लव तक ये खबर पहुंची तो वे खड़े शरीर सहित जमीन पर गिर पड़ा। जिस पत्नी की राह देखते देखते उसने वर्षों गुजार दिए, जिसके लिए वो हजारों सपने सजा कर बैठा था, वो उसे ऐसे छोड़कर चली गई जब उसकी शादी हो रही थी। उसने रेवती की बस एक झलक देखी थी, जिसमें उसकी वह कजरारी आंखें, उसके चेहरे की हल्की सी मासूमियत भरी उलझन लिए हुए उसकी झलक को वह अपने दिल में बसाए हुए जी रहा था। बीते हुए एक दिन बस उसके आने की राह देख रहा था कि एक न एक दिन तो वो जरूर आएगी, जिसने जीवन भर साथ देने का वादा किया था। वह मंजिल के लिए निकलने से पहले ही छोड़ गई। रेवती ही उसके जीवन का प्रेम थी और उसकी जीवन संगिनी थी। राजकुमार बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे बस रेवती का मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। रानी भी अपने पुत्र की हालत देखकर परेशान हो गई। इधर राजा ने शाम को सारे नौकर और पहरेदारों की सभा बुलाई और सबको कल अवकाश दे दिया। अवकाश के पीछे की वजह जानने के लिए प्रश्न भी कोई नहीं कर सका। अगर किसी ने में हिम्मत करके प्रश्न किया भी, लेकिन जवाब नहीं मिला। और दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी को संदेश भेजा कि कल हम राजकुमारी से मिलेंगे। दिन पूरा दिन गुजर गया। नौकर आधी रात में पेरू पहुंचा। अब रात उससे काटे नहीं कट रही थी। तभी दरवाजे पर खट खट हुई। नौकर, जिसका नाम श्रीधर था, उसने दरवाजा खोला तो देखा उसका बड़ा भाई खड़ा था, तो वो कहने लगा, सुना तुम अभी आए हो, इसलिए मिलने चला आया क्या भैया? उसका भाई कहने लगा, इतनी रात को क्यों मिलने आ गई? सही से नींद नहीं ले सकते थे? कल महल में काम पर भी जाने के लिए समय से कैसे उठोगे? उसका भाई हंसने लगा, नहीं भाई, कल काम पर नहीं जाना है। राम जाने क्या वजह है, लेकिन कल राजा ने महल के सारे नौकरों और पहरेदारों की छुट्टी कर दी है। कल किसी को काम पर नहीं जाना है। ये सुनकर श्रीधर बहुत सकते में आ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर उसका भाई अपने घर चला गया। श्रीधर का सफर भी थकान तो उसके सफर में हो गई थी और आंखों में लेकिन नींद नहीं थी। वो सूर्य उदय से पहले ही घर से निकलकर महल की ओर गया हुआ। केवल बाहर के दरवाजे के पहरेदार ही मौजूद थे, बाकी सब छुट्टी पर थे। उन्हें श्रीधर को रोका, क्या तुम्हें पता नहीं आज छुट्टी है? नहीं, श्रीधर कहने लगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अभी बस सटोरी राज्य के राजा को संदेश पहुंचा आ रहा हूं, और आते जाते समय राजा ने मुझसे कहा था कि संदेश पहुंचाकर पहले मुझे सूचित करना, फिर घर जाना। पहरेदार ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ। श्रीधर महल के अंदर चला गया। वह राजा के कमरे तक गया। देखा तो राजा सो रहा था। अब वह थोड़ा निश्चिंत हुआ और उसने ऊपर की ओर देखा और फुसफुसाया, हे प्रभु,
मैं एक पुरुष और तुच्छ नौकर होने के नाते अपनी राजकुमारी के कमरे में बिना किसी इजाजत के जाने का अपराध कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर वह राजकुमारी के कमरे की ओर मुड़ गया। वह दरबार हाजीपुर पहुंचा तो देखा कि राजकुमारी सोई नहीं है। वह अपनी खिड़की के पास उदास खड़ी है। श्रीधर कमरे के कोने में रखे फूलदान से एक डंडी निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंकता है। इससे राजकुमारी चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक नौकर सिर झुकाए उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है कि श्रीधर बोल पड़ता है, राजकुमारी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपनी इस करतूत के लिए जिसके बोझ से मेरी नजरें जमीन में गड़ी जा रही हैं। परंतु ये बहुत आवश्यक था। ये सुनकर राजकुमारी रेवती उसके पास आती है और धीमी आवाज में बोलती है, बताइए काका। श्रीधर अपनी नजरें नीचे ही रखता है और बोलने लगता है, मैं आपकी माँ का बहुत सम्मान करता था राजकुमारी। मेरे पिताजी उनकी शादी के समय उनके कहर के रूप में यहाँ आए थे और यहीं बस गए। यदि बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसे चोरी छिपे यहाँ आने की गुस्ताखी कभी नहीं करता। राजकुमारी बोली, हाँ बोलिए तो। श्रीधर ने महात्मा की बात से लेकर अब तक की सारी कहानी राजकुमारी को बता दी और बोला कि बताना मेरा फर्ज था, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर श्रीधर चला गया। राजकुमारी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वह तो इस बात को सुनकर ही जो भौचक्की थी कि उसके पिता ने उसकी ससुराल में ऐसा संदेशा क्यों भिजवाया। तभी उसके दिमाग में सारी बातें इकट्ठा होने लगी। वह खुद को उस आम के पेड़ के फल से जोड़ने लगी और अपने पिता को उस माली के रूप में देखने लगी। जल्दी उसे अपने पिता की मंशा का ज्ञान हो गया। उसे उसके पिता की आदतों के बारे में उसकी माँ ने पहले ही बता रखा था। लेकिन वो इतना गिरा और नीच हो सकता है? उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है? यह उसे पता नहीं था कि अपनी ही पुत्री के साथ वो ऐसा गलत करने की सोच सकता है। वो स्वयं उसके लिए नरक और ऐसे ही पीड़ा के द्वार स्वयं खोल रहा था। रेवती सिर पर रोए जा रही थी। वो अब एक पल भी हुआ नहीं रहना चाहती थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी? बस यहाँ नहीं रहेगी। अपने मन में तरह तरह के उसके विचार आ रहे थे। अब उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने अपने सारे जेवर एक थैली में बांध लिए और खुद ब खुद घर में लगे पर्दों को बुरी तरह से बांध कर और एक दुशाला बनाया और उसको ओढ़ लिया। टूटी आत्मा, घायल दिल, बिखरा हुआ आत्मसम्मान और आंखों में आंसू लिए मुख्य दरवाजे पर पहुंची। अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी और अब कब आई? आज तो सबका अवकाश था। पहरेदार ने राजकुमारी को टोका तो कहने लगी, मेरा रजनी हूँ। राजकुमारी की सेविका रात में वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे रोक लिया था। लेकिन अब आज का दिन शुरू हो गया है। राजकुमारी ने बोला है कि यदि मैं अब भी उनके साथ रुकी तो राजा इसे अपने आज्ञा की अवहेलना समझेंगे और इसके लिए मुझे भारी दंड भी दिया जा सकता है। राजकुमारी की बात सुनकर पहरेदार ने कहा कि हाँ सही कहा आपने। वो कितनी ही राजकुमारी कितनी अच्छी और समझदार हैं, सबके बारे में सोचती हैं। चलो ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पहरेदार का इतना कहते ही राजकुमारी ने जो दुशाला ओढ़े राजकुमारी रेवती जल्दी से बाहर निकल गई। वो कभी इतना पैदल नहीं चली थी। वो दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर सुबह हो चुकी थी। राजा उठा और तैयार होकर सीधे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे महल और उसके राज्य में राजकुमारी की खोज शुरू हो गई। किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा और देखा भी तो पहचानता भी कैसे? किसी ने कविराज कुमारी को देखा हो तब तो ये राजकुमार वल्लभ को होश ही नहीं आ रहा था। सारे जतन करके हार गए। राजकुमार राजकुमारी को ही पुकार रहा था, राजकुमारी।
उधर राजकुमारी। चलते चलते राजकुमारी के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनमें इतना दर्द नहीं था जितना दिल के छालों में था। चलते चलते रेवती एक गांव में पहुंच गई। वहां उसने कुछ खाना खरीद कर खाया और नदी के पास जाकर पैर धोए और पानी पिया। वो पानी में अपने पैर डालकर अपनी परछाई को देख रही थी और रोए जा रही थी और सोचने लगी कि ऐसा रूप किस काम का जो अपने ही हैवान बन जाए। काश मैं कुरूप पैदा हुई होती तो, ऐसे ही वो सोचकर घंटों बैठी रही। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने ससुराल जाए और वहाँ सब बता दे। लेकिन नहीं, तभी उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। कौन भरोसा करेगा मेरा, लेकिन मेरे पति से मैं जरूर मिलना चाहती हूँ। उनके सिवा मेरा है ही कौन। तभी उसने अपने जूतों को देखा, जूते जो कि चमड़े के बने हुए थे। वे उसे देखती रही और सिर्फ देखती ही रही और अचानक उसने एक फैसला ले लिया कि हाँ, यह अच्छा तरीका है, इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि और मैं कौन हूँ और मुझे किसी को ये घिनौना सच बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई फिर कभी दोबारा मेरी ओर आकर्षित भी नहीं होगा। उसने अपने जूते पहन और गांव के मोची के घर पहुंचते पूछते पूछते पहुंच गई। आखिरकार वह एक मोची के घर में पहुंच गई। मोची से कहने लगी, मोची मैं आपको मोहमांगा इनाम दूंगी, आप चमड़े का मेरा एक जोड़ा बना दो। मोची कहने लगा, कैसा जोड़ा आपको, चमड़े का जो जोड़ा बनवाना कैसा बनवाना है। तो राजकुमारी ने कहा, ऐसा जो मैंने आज तक न किसी से सुना हो और न किसी पर देखा हो, ऐसी अनोखी चीज क्यों बिटिया। मोची कहने लगा, और उसको पहनेगा कौन। मैं कहने लगी, मैं अपने लिए बनवा रही हूँ, इस जोड़े को मैं अपने लिए बनवा रही हूँ और मैं ही पहनूंगी। तब मोची कहने लगा, क्यों बेटी बिटिया हंसी कर रही हो। वह कहने लगी, नहीं बाबा, मैं हंसी नहीं कर रही, मुझे अपने लिए चमड़े का जोड़ा बनवाना है और उसके लिए जितना धन लगेगा वह मैं तुमको दूंगी और उसका जितना मेहनताना लगेगा वह मेहनताने को 3 गुना बढ़ा कर दूंगी। मोची यह सुनकर भौचक्का रह गया। उसने कहा कि लेकिन मैं धन पहले लूंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मोची ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके फटे दुशाले को देखकर यह नहीं लगता था कि वह इतना धन दे पाएगी। लेकिन रेवती ने उसे इतना धन दिया कि उसकी आंखें चमक उठी। वो घर के अंदर गया और रेवती का माप लेने के लिए धागा ले आया। उसने रेवती का माप लिया। बताओ बेटी, जोड़े में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तब वो कहने लगी, बाबा बस बाबा, ज्यादा कुछ नहीं, बोलने की आजादी, सांस लेने की आजादी, सुनने की आजादी और देखने की आजादी होनी चाहिए, बाकी और शरीर का कोई अंग या चेहरे का कोई भाग नहीं दिखना चाहिए। मोची यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। लेकिन इतना धन जो उसे पूरी जिंदगी भर काम करने से नहीं मिलता, इसके लिए वह किसी भी बात और सवाल से जो नहीं पूछना चाहता था और जोड़ा बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने मदद के लिए 3 और मोचियों को बुलाया। जब तक जोड़ा बन नहीं जाता, राजकुमारी मोची से उसके ही घर में रहने की आज्ञा मांग ली। उधर राजकुमार को होश आ चुका था, लेकिन अब वह सुबह उठता और बिना कुछ खाए पिए जंगल की ओर चला जाता। वहाँ बैठकर वह सुबह से शाम तक आकाश को निहारता और अपने विरह के गीत गाता, जो दुखी होकर गीत गाने लगा। इधर 5 दिन बाद राजकुमारी रेवती का चमड़े का जूड़ा पूरी तरह से मजबूती के साथ बनकर तैयार हो गया। राजकुमारी रेवती ने जोड़ा पहना तो वो इतना बढ़िया बना था कि वो मोची के काम से बहुत खुश हुई। उसने उसको कुछ और सिक्के दिए और मोची से विदा ली और पैदल ही तोरी राज्य के लिए निकल पड़ी। रास्ता काटने के लिए भी वो दुख भरे विरह के गीत गाती जा रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में बहुत से लोग मिले। कुछ उसकी रागनी और गीतों को सुनकर रो देते कि बड़ी दुखिया है, बड़े सुंदर दुखी मन से गीत गा रही है। कुछ उसके अजीब से कपड़े और उसकी बदबू से उसके पास से नाक बंद करके निकल जाते।
लेकिन इन सब से वो बहुत खुश थी कि चलो यही तो वो चाहती थी कि लोग उससे दूर रहें। तोरी पहुंचने में राजकुमारी को 2 दिन लगे। वो वहां पहुंचकर एक सराय में गई, लेकिन उसकी कुरूपता को देखते हुए मालिक ने उसे निकाल दिया। उसने पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारी। दूसरे दिन वो राजमहल के बाहर पहुंची तो राजा से मिलने की प्रार्थना करने लगी। वो जोड़ा जो उसने पहन रखा था, उसमें से चमड़े की बदबू आ रही थी। कोई उसके पास भटकना नहीं चाहता था, लेकिन वो राजा से मिलने की जिद पर अड़ी रही, जिसने राजा को मजबूर कर दिया और उसे दरबार में बुलाने पर राजा ने उसको बुला लिया। उसने मस्जिद पहुंचते ही राजा को प्रणाम किया और उनके राजमहल में काम करने के लिए मांगने लगी। राजा उसे देखकर हंस पड़ा और कहने लगा कि मेरे राज्य में नौकरों की कमी नहीं है जो मैं एक अजीब सी बदबू वाले कपड़ों वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा, और रही यही बात ही तो तुम मुझे बाहर से ही कह देती। मंत्री से मैं बोल देता तो तुम बोल देती तो यहाँ तक आने की जीद ही नहीं होती। ना हमारा समय बर्बाद होता और न ही तुम्हारा। तब राजकुमारी कहने लगी, महाराज मुझे आपसे ही काम चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बस 2 शर्तें हैं, 2 वक्त की सूखी रूखी सूखी रोटी। तभी सब हंसने लगे। रोटी तक तो ठीक था, लेकिन यह अदना सी जो लड़की अब राजा से शर्त रखेगी। महाराज मेरी आपसे विनती है, और रेवती गिड़गिड़ाने लगी। इस पर महाराज को दया आ गई और उन्होंने उसे जानवरों के बाड़े का काम दे दिया। उन्हें खिलाना पिलाना, गोबर फेंकना और गाय भैंसों को चराने ले जाना। वो उसे महल के अंदर का कोई काम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो काली कलूटी भद्दी सी थी और ऊपर से ऐसे बदबू वाले कपड़े पहन रखे थे। तो राजा ने कहा, छठी के बता, वो अपनी शर्त हमारे साथ सब सुनना चाहते हैं। राजकुमारी कहने लगी, महाराज मेरी शर्त नहीं आपसे और इस राज्य के सभी लोगों से विनती है। पहली शर्त, कोई कभी मेरे कपड़ों को लेकर या इन्हें उतारकर कुछ भी पहनने को नहीं कहेगा। दूसरी शर्त, आप मेरे द्वारा की गई पहली 11 गलतियों पर सिर्फ मुझे कोड़े बरसाए, ना आप मुझे काम से निकालें और न ही कोई और सजा देंगे। राजा कहने लगा, मुझे मंजूर है, अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। दरबार का समय ज्यादा बर्बाद मत करो। वो महल से बाहर बाड़े तक आ गई और उसने देखा कि राजकुमार वहाँ पर खड़ा है। अपने पति को ऐसे सामने खड़ा देखकर उसके आंसू निकल पड़े, कलेजा मुंह तक आ गया। वो जाकर उनके पैरों में गिर जाना चाहती थी और बता देना चाहती थी कि वो मरी नहीं, जिंदा है। तभी राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उस आदमी की तरफ मुड़े जो उससे पूछ रहा था कि वे कौन हैं। उसने इशारा करके रेवती को बुलाया। लड़की इधर आसपास खड़े लोगों में खुसर पुसर चालू थी, जैसे कितनी अजीब और भद्दी है ये। राजा ने कैसे इसको काम पर रख लिया, जो भी सुना, और इसने शर्त भी रखी है। हाँ श्रीमान, बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया है। राजकुमारी ने कहा तो वो कहने लगा, तेरा नाम क्या है। राजकुमार वल्लभ जानना चाहते हैं। उसने अपनी नजरें राजकुमार की तरफ घुमाई और देखती रह गई। वो उसको जी भर के देखकर अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। यह वही सूरत थी जिसको देखने के लिए इतने वर्षों तक तरसी और इतने कष्ट सहे। उधर क्या देख रही है। तब वो व्यक्ति कहने लगा, कभी कोई राजकुमार नहीं देखा क्या, नौजवान नहीं देखा, नजरें नीची रख। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगा और उसके साथ खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजकुमार ने सबको शांत किया कि यह उसकी गलती नहीं, अगर वह भद्दी या कुरूप या भद्दे कपड़े पहने हैं तो वह अपने मन से तो ऐसी नहीं बनी। हमें कभी भी भगवान की रचना का उपहास नहीं करना चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो इस राज्य में सबको आजादी है, कोई भी कुछ भी खा सकता है और कुछ भी पहन सकता है। आपको अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का अधिकार है। राजकुमार के इन शब्दों से रेवती के दिल में बस रही प्यार को सम्मान, प्यार और सम्मान
और ज्यादा राजकुमार के प्रति बढ़ गया। उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था और वो बहुत ही सम्मानित महसूस करने लगी। वो ऐसे सज्जन स्वभाव वाले पुरुष की संगिनी है। उसका प्रेम और परवान चढ़ने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ये लड़की तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तेरा नाम क्या है रे क्या? तभी पीछे से एक आदमी बोल पड़ा, चमड़े सा बदन लिए, जरूर चमोला नाम होगा इसका, और हंसने लगे। तब वो कहने लगी, हाँ मेरा नाम कमोदा ही है। क्या सच में? सब चौंक गए, और सबसे ज्यादा वो आदमी जिसने मजाक में बोला था, मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मैं पहले मेरे माता पिता नहीं कोई और नाम रखा था, लेकिन बाद में चमोला ही पड़ गया और यही मेरी पहचान है। सब कहने लगे, ठीक है ठीक है, चमोला अब तुम जाओ और अपना काम करो। वो बाड़े में आ गई और अपना काम करने लगी। दिन बीते, सप्ताह बीतते और महीना करते करते वो दिल लगाकर मेहनत गीत गाती और बुद्धि, वाणी और काम करके लोगों ने उसके गीतों को सुना भी, लेकिन कभी कोई सही से सुन नहीं पाया कि वो क्या गा रही है। वो समस्याओं को और काम को इतनी बुद्धिमानी से करती कि कोई कमी नहीं निकाल सकता था। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और राजा भी बाड़े से हट हटाकर उसको और जिम्मेदारियां सौंपने लगे। वो पूरे दिन बस इसी ताक में काम करती कि कब, कहां, कैसे उसे राजकुमार दिख जाए और उसका एक और दिन सुखपूर्वक बीत जाए। वो अपने काम में बहुत खुश थी कि वो हर एक चीज से खुश थी। यहाँ दूसरी तरफ उसके पिता के राजा राज्य में रेवती को ढूंढकर परेशान हो गया। उसको कहीं नहीं मिली। वो किसी तरह की घोषणा भी नहीं करवा सकता था कि कोई उसे ढूंढ कर लाए, क्योंकि किसी ने कभी रेवती की एक झलक भी नहीं देखी थी। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका मन वासना से इतना भर गया, इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। उसे अपने आप से घिन आने लगी और अपने मन में आत्मग्लानी महसूस होने लगी। वो खुद से नफरत करने लगा। उसे खुद से ज्यादा पापी कोई नहीं लगता था। इस संसार में वो खुद पर कोड़े बरसाता, सारी रात जाग कर काटता। उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद रह गया, वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके पैरों में गिर जाएगा और नाक रगड़कर उससे माफी मांगेगा। यदि वह इस जन्म में अपनी बेटी से माफी मांग पाया तो उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा और वह चैन से मर पाएगा। नहीं तो मृत्यु के बाद भी वो इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। रेवती की मृत्यु के समाचार को अब एक साल होने को आया था। राजकुमार शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि शादी जीवन में एक बार होती है और प्रेम भी जीवन में एक बार होता है। मेरी शादी हो चुकी है और भले ही मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन मुझे उसी से प्रेम है और क्या पता मुझ में ही कुछ दोष हो। तभी तो वो मुझसे अलग हो गई और यहाँ मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़ गई। क्या पता मैं इस बार किसी और से विवाह करूं और वो भी मर जाए। परंतु राजा रानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे लगातार अपने बेटे के लिए राजकुमारियां देखते रहे। राजकुमार के अभी अभी भी पहली पत्नी से प्रेम और विवाह के इनकार के बाद उड़ते उड़ते समाचार कमोदा तक भी पहुंचा। वो प्रेम और भावुकता से गदगद हो उठी। वो अभी जाकर बल्लभ को सारा सत्य बताकर उसके आगोश में समा जाना चाहती थी, लेकिन वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और उसने वही किया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने नसीब को कोसने लगी। शायद वो पैदा ही बदकिस्मती लेकर हुई थी। दिन बीतते गए और आखिरकार बल्लभ के माता पिता को बल्लभ के लिए एक लड़की पसंद आ गई और इस बार उन्होंने बल्लभ की एक नहीं सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह की खबर कमोदा तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें क्रोध और कभी न थमने वाले आंसुओं से भर गई। उसने ठान लिया था कि अब वो शादी नहीं होने देगी। लेकिन कैसे? बिना सच्चाई बताए कैसे एक औरत कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती है? अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता नहीं देख सकती।
यह उसके लिए ऐसा है जैसे वह जलती अग्नि में खड़ी हो। और शरीर तो जैसे झुलस रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। वो पूरा दिन पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन उसे सुबह दरबार में बुलाकर बुलाया गया तो उससे कहा, चमोला। राजा ने कहा, जैसा कि चमोला, जैसा कि सबको पता है, जो काम तुम्हारी देखरेख में होता है वह एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार बल्लभ की शादी में जो छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाना कपड़ा, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी पर होंगे। ऐसा सुनकर चमोला को महसूस हुआ जैसे उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही हो। लेकिन तब भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। शादी की तारीख अगले हफ्ते की थी। वो उस डर से कि ज्यादा देर हो गई तो राजकुमार बगावत न कर बैठे, इसलिए उसकी शादी बहुत जल्दी तय कर दी गई। चमोला किसी तरह रो रो कर दिन काट रही थी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। जिस दिन शादी होनी थी वो सुबह से ही गुस्से में थी। सुबह सुबह कुमार घड़ी लेकर चनोदा के पास पहुंचा। मौदहा, या घड़ी कहाँ रखने हैं? कुम्हार ने पूछा तो कहने लगी, क्या मतलब? कहाँ रखने, बाहर ले जाकर पटक दो। राजकुमार ने कहा, क्या बात कर रहे हो, होश में तो हो? चमोला कहने लगी, जो कह रही हूँ वो करो। कुम्हार ने कहा, ठीक है कुम्हार। घड़े ले जाकर उसने बाहर जाकर पटक दिए। सारे घड़े फूट गए। अब वो मंत्री, जिसे सारे विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, उसने ये सब देखा तो सकते में आ गया कि यह क्या कर रहे हो, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तब कुम्हार कहने लगा कि हम क्या पागल हुए हैं, हमें ऐसा चमोला ने करने को कहा। ऐसा सुनकर वह मंत्री चमोला की शिकायत लेकर राजा के पास गया और राजा को बहुत गुस्सा सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह चमोला पर बरस पड़े। यह क्या हरकत है, चमोला ऐसे ही काम करोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए राज्य से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शर्त की वजह से मैं चुप हूँ। चमोला ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, थोड़ा गुस्सा आ गया था, बस बार बार, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या करूँ इसका? कुम्हार ने कहा तो उसने बोल दिया था कि बाहर ले जाकर पटक दो, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था और कुम्हार मुझे बार 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 मुझे टोके जा रहा था कि क्या करूं क्या करूं, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया कि बाहर पटक दो। मंत्री चमोला की इस गलती के लिए उसको 30 कोड़े मारे जाएं और इस पर बेदर्दी से कोड़े बरसाए गए। चमड़े का जोड़ा पहने होने की वजह से चोट तो थोड़ी, चोट से थोड़ी बचत तो होती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा भी बोला, ठीक है, और चला गया। कुछ देर बाद तेली तेल के मर्तबान लेकर चमोला के पास आया। तेली ने कहा, चामुंडा इसे कहाँ रख दूं? तो चामुंडा कहने लगी, क्या मतलब? कहाँ, राजा के यहाँ शादी के पहले शगुन के लिए तेल महल के पीछे की नालियों में बहाया जाता है। चमोला कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सब चुप करो, जो मैं कहती हूँ वो करो। तेली ने कहा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा पता है, हम तो बाहर के हैं, जैसा कहोगी वैसा करेंगे। उसने सारा तेल नाली में फेंक दिया। जब एक नौकर ने ये सब देखा तो मंत्री को बुलाकर लाया। इस पर इस बार मंत्री गर्ज कर राजा के पास चामुंडा की शिकायत लेकर गया और सारी बात बताई। चमोला को बुलाया गया, फिर से बहस हुई। सवाल चमोला का जवाब तैयार था कि जो इस तरह था ये तेल लेकर आए और पूछ रहे थे कि क्या करूं क्या करूं? अब आप ही बताएं, तेल का क्या करते हैं? रसोई घर में रखते हैं ना? राजा का चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। तो जो भी तुम्हें सही से बात करनी चाहिए थी। मंत्री ने चमू को 40 कोड़े मारे जाएं। राजा ने मंत्री को चमोला को सजा देने के लिए बोला। मंत्री ने 40 कोड़े जो उसको मारे, कोड़े मार लीजिए महाराज, लेकिन विभाग के काम में दखल मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, राजकुमारी कहने लगी। राजा हैरानी के साथ कहता है कि ठीक है, और बोलकर चला गया।
चमोला कोड़े खाकर फिर से काम में लग गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई जगह या काम बिना गड़बड़ी के सही से न हो जाए। उसने नजर रखनी शुरू कर दी कि एक भी काम ढंग से नहीं होना चाहिए, सब काम बिगड़ने चाहिए। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, चमोला यह अनाज आया, इसका क्या करूं? कहां रखूं? तो वो कहने लगी, जाओ बाहर की रेत का ढेर पड़ा है, वहां पर फेंक दो। ये बात कहकर वह व्यक्ति कहने लगा, होश में तो होना। तो वो कहने लगी, तुम चुप रहो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। यह अनाज राजा ने चिड़िया और जानवरों के लिए मंगवाया है, लेकिन रेत में मिल जाने के बाद ये जानवर और चिड़ियों के लायक भी नहीं रहेगा। चमोला ने कहा, जाओ जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो वो कहने लगा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा पता है। सबने वो अनाज फेंक दिया। फिर वही हुआ, पहले यह बात मंत्री तक गई और फिर राजा तक। इस बात चमोला को 80 कोड़े पड़े और शादी में हर काम से दूर रहने की हिदायत दे दी गई। वो सारे कामों से दूर हट गई। सब हैरान थे कि चमोला को क्या हुआ है। चमोला को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर रसोई पर गई, रसोई घर में गई। वो रसोई घर में घुसी और मुख्य रसोइये के पास गई। चमोला ने जो भी किया था, अब तक इन लोगों को उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्हें यही लगता था कि सारी देखरेख अब चमोला के हाथ में है। वो उस रसोइये के पास जाकर बोली कि महाराज ने बोला है कि सारे खाने में नमक मिर्च सामान्य मात्रा से ज्यादा मिला दूं। तो रसोइया कहने लगा, लेकिन क्या? लेकिन चमोला कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ वो करो। तो जो रसोइया था उसने सारे मेहमानों के खाने में नमक और मसाला ज्यादा ही डाल दिया और इतना कह ठीक ये कहकर वो बाहर चली गई। और वो रसोइया मंत्री के पास जाकर बोलती है कि अब तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन रसोई का रसोई को तो आपने जांचा ही नहीं है। अभी मुझे समय नहीं है, मंत्री ने अकड़कर बोला। चमोला अपनी जो योजना में सफल थी वो कहने लगी, हाँ जब सब लोग खाना खराब कर देंगे और राजा आपसे पूछेंगे अपने रसोइये को क्यों कुछ नहीं बताया, तब आप यही बोल देना, मेरे पास तो समय नहीं था देखने का और मैं तो मेरी शर्त की वजह से बच गई। लेकिन आपको राजा राज्य से निकालने के पास कोई वजह नहीं होगी। इतना सुनते ही मंत्री डर गया और वो रसोई घर की तरफ रुख कर ही वाला था। तभी चमोला बोल पड़ी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मेरे पास आसान उपाय है, मैं उन सबको थोड़ी देर के लिए यहीं बुला देती हूँ, आपका भी समय बच जाएगा और राजा से भी आप बच जाओगे। मंत्री ने कहा कि ये ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मेरी सहायता क्यों कर रही हो। खैर जो भी अच्छा है जाओ बुला कर ले आओ। चमोला रसोई घर में गई और बोली, चलो सबको मंत्री जी ने बुलाया है सबको। लेकिन क्यों? वे लोग पूछने लगे तो वे कहने लगे कि मंत्री जी ने बुलाया सबको चलना है। रसोइये ने कहा कि ठीक है मैं उनसे जाकर बोलती हूँ, महाराज के सामने रसोइये न आने से मना कर रहे हैं। तो वे कहने लगे, नहीं नहीं चमोला ऐसा मत करो, ठीक है हम सब चलते हैं। और वे कहती है, तुम सब चलो मैं आती हूँ। ऐसा करके वे रसोई घर में रुक गई और जितना मसाला और नमक था उसने सारे खाने में मिला दिया और बाहर आ गई और मंत्री के पास आकर खड़ी हो गई। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज जाकर सारा खाना थोड़ा थोड़ा यहाँ भेजूं, मैं चक्कर देखूंगा। जो रसोई घर का महाराज था उसने कहा कि ठीक है आप चक्कर क्यों देखेंगे, महाराज तो शाही रसोइये हैं, इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, आप इनके बनाए भोजन पर शक करेंगे? चमोला ने घबराते हुए कहा, महाराज का तो आज तक नाम है, खाना बनाने में मुझे अपना काम मत सिखाओ, चमोला खुद का काम तो होता नहीं है। मंत्री अकड़कर बोला, महाराज खाना लेकर आई। मंत्री ने चम्मच से सब्जी उठाकर खाई और जमीन पर उगल दी।
क्या बनाया है इतना तेज नमक और मसाला तेज। ऐसा कहते हुए मेहराज ने सब्जी खाई तो उसने भी उसे उगल दिया। मैंने तो चमोला के कहने पर थोड़ा सा मसाला डाला था, लेकिन इतना ज्यादा कैसे हो गया? क्या मतलब? चमोला के कहने पर मंत्री ने कहा, हाँ यही आई थी बोलने की। महाराज, महाराज के मेहमानों के खाने में नमक और मसाला तेज डालना है। मंत्री चमोला की तरफ घूर कर देखता है और गुस्से में लाल चेहरे के साथ राजा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब राजा के क्रोध की इस बार सीमा पार हो गई और वह रसोई और चमोला पर भड़क पड़ता है। इस बार चमोला को 200 कोड़े और रसोइये को 50 कोड़े पड़ते हैं। इस बार वह कराकर दर्द से बिलख उठती है और राजा के हाथ जोड़कर माफी मांगती है। राजा को एक बार फिर दया आ जाती है और वह उसे फिर माफ कर देता है। लेकिन इस बार चमोला को महल से बाहर रहने के लिए बोला जाता है। चमोला उदास होकर उसी दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी उसको शाही दर्जी आता हुआ दिखाई देता है, जो शायद राजकुमार बल्लव की पोशाक लेकर जा रहा था। चमोला ने सामने तंबू से एक भाग फाड़ा और उसे लपेट कर तेजी से दर्जी के पास गई और उसका धक्का दे दिया और हाथ से पोशाक लेकर भाग गई। उसने उसे कुछ दूर पर बने कीचड़ से बड़े खड्डे में फेंक दिया और अपना दुशाला दूसरी तरफ कोने में छुपा दिया और सामने से ऐसे गुजरी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि दर्जी कुछ समझ ही नहीं पाया। ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा परेशान हो गया, लेकिन ये तय हुआ कि राजकुमार अपनी पहले की पोशाक पहनकर ही जाएंगे। बारात तैयार हो गई, दूल्हा सज गया, बारात निकली। चमोला भी उन गांव वालों की बग्घी के साथ होली, जिससे उनकी करतूतों के बारे में कुछ पता नहीं था। बारात दो दिन में पारसौल राज्य में पहुंची, जहां की राजकुमारी सुमेधा से राजकुमार बल्लव का विवाह होने वाला था। इधर चमोला इस आशा से पारसौल आई थी कि वो यहां कुछ ना कुछ करके विवाह तुड़वा देगी। वो कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। बारात में कोई लड़की नहीं आई थी, सिर्फ चमोला अकेली थी। इसका फायदा उठाकर वो महल की ओर निकल गई। उसने एक साड़ी ली और उसे पहन लिया। उसे पहनकर वह अन्य सभी दासियों के साथ अंदर चली गई। राजकुमारी को आज रात्रि में विवाह के लिए तैयार करने वाली थी तो वह सबसे बचती बचाती जो गुसल खाने तक पहुंची। वो राजकुमारी सुमेधा के लिए पानी तैयार किया जा रहा था और कुछ ही देर में राजकुमारी हुआ आई और नहाने के लिए बैठ गई। उसने नजरें नीची की हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसका श्यामल रंग कजरारी बड़ी आँखें थी। ऐसा रूप जो किसी का मन मोह लेने में ज्यादा समय नहीं लेता, लेकिन चमोला को तो उसकी सौतन के रूप में ही दिख रही थी, जिससे उसे नफरत थी। तभी वह एक दासी के पास जाकर कहने लगी, क्या बहन मेरा भाई तोरी का रहने वाला है? बता रहा था राजकुमार बहुत अधिक सुंदर है। वो जरूर राजकुमारी के सांवले रंग के कारण उसे विवाह के बाद अपनाएगा नहीं। बेचारी राजकुमारी दूसरी दासी कहने लगी, हाँ बहन ये बात तो सच है। क्या बेचारी राजकुमारी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ हूँ, हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है तुम सबको अपनी राजकुमारी से सच में प्रेम है तो तुम सब सच में उसका भला चाहती हो तो बताओ। सब दासियां कहने लगी, हाँ बहन बताओ तो ठीक है। सुनो ये लेप लो, जो कि सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी का लेप था। ये साध कोई साधारण लेप नहीं है, गहरे से गहरे रंग को भी निखार देता है। इसको राजकुमारी के शरीर पर मल दो। फिर खौलते पानी से नहलाकर मूंज एक तरह का सूखा पौधा होता है। उसकी पत्तियां उसके शरीर पर रगड़कर उसके सांवलेपन को धो दो। दासियां खुश हो गई। कुछ ने तो ये भी सोच लिया था कि राजा से इसके लिए बड़ा इनाम भी पाएंगी। सब जैसे कमोदा ने बताया था, सबने वैसा ही किया। इससे राजकुमारी के शरीर पर फफोले आ गए। वो दर्द से कराह उठी। सब सकते में आ गए।
चमोला को ढूंढते ढूंढने लगे, लेकिन उसका तो कहीं अता पता नहीं था। उसे पता था कि राजकुमारी बीमार पड़ जाएगी और रुक जाएगा। उसके विश्वास के साथ वो घर से तोरी की ओर निकल पड़ी थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। दासियों ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन फफोलों पर लेप लगाकर उसी पर कपड़े पहना दिए। राजकुमारी दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुंदड़ी से उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह बस करा रही थी। सबको लगा शादी के बाद परिवार से अलग होने के दुख में वो रो रही है। शादी हो गई, सारी रस्में हुई। इस दौरान उसके सारे फफोले फूट गए और उसके कपड़े उसके घाव से चिपक गए। शादी पूरी हुई, विदाई हुई। सफर भर में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। यहाँ जब वह सतारी बारात पहुँची तब चामुंडा को पता चला कि शादी हो चुकी है, तो वो टूट गई और बाड़े में जाकर रोने लगी। कुछ दिनों तक तो किसी को दिखाई भी नहीं दी और न ही किसी को चामुंडा के बारे में याद था। उधर राजकुमारी सुमेधा की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजकुमार बल्लभ इसके बावजूद भी उससे मिलने नहीं गए। कई वैद आए, लेकिन कोई सुमेधा को ठीक नहीं कर पाया। विवाह के 3 बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे राजकुमार और ज्यादा टूट गया। अब वो अपने पिता के पास गया और बोला, मैंने बोला था ना, मुझ में ही दोष है। देखा ना क्या हुआ, आपने मुझे सुमेधा की मृत्यु का भी भागीदार बना दिया। इस पाप का बोझ लेकर मैं कैसे रहूंगा? आज से मुझसे कोई भी मेरे विवाह को लेकर चर्चा नहीं करेगा, वरना मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। राजकुमार फिर से अपने पहले वाली दिनचर्या पर कायम हो गया। वो रोज जंगल जाता और पूरा दिन बिताकर रात में घर आ जाता। इधर चामुंडा को ये सब समाचार मिला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष की हत्या कर दी। वो स्वयं को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगी। महीने बीत गए, घाव भरने लगे, बातें भूलने लगे। लो चमोला हर रोज की तरह गाय और बाकी जानवरों को चराने के लिए जंगल के पास के तालाब में लेकर गई, और उसका हर रोज का था कि वह उन जानवरों को चरने के लिए छोड़ देती और खुद आसपास सबको देखकर तालाब में नहाने चली जाती। रोज की तरह आज भी उसने जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया और नहाने चली गई। इसी बीच राजकुमार अपना गीत गा रहे थे और हमेशा की तरह जानवरों की आवाज उनके ध्यान को भंग करके उनके सगुन में खलल डाल रही थी। आज उसने उठने की ठान लिया और वह आज चामुंडा से बोल देगा कि वह जानवरों को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाया करे। वह चामुंडा से बात करने के लिए उठकर आ ही रहा होता है कि उसके कदम रुक जाते हैं। वह धीमे पांव आगे बढ़ता और देखता है, चमोला कपड़े पहन रही है। वो बस उसके हाथ देख पाता है। बाकी उसके देखने तक तो वो पूरी तरीके से इस जोड़े को अपने ऊपर से बांध चुकी होती है। उसके हाथ मलाई से भी गोरे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चामुंडा तो इतनी कुरूप है, लेकिन इसके हाथ जरूर कोई राज है। राजकुमार बल्लभ को पूरी रात सही से नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा और वह सुबह बिना कुछ खाए पिए जंगल में पहुंच गया और एक झाड़ी में बैठकर चमोला का इंतजार करने लगा। समय बीता तो उसकी सच्चाई जानने को वह इतना बेताब हो रहा था कि वह वहां से हिला भी नहीं। दोपहर होने को आई, तभी जानवरों के रंभाने की आवाज आई। राजकुमार सतर्क हो गया। चमोला हर बार की तरह उसने कपड़े उतारे, लेकिन राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। उसे शक हुआ कि यदि उसने कुछ नहीं पहना होगा तो पराई स्त्री को ऐसी अवस्था में छुपकर देखना महापाप से कम नहीं। तभी पानी में आवाज आई। उसे लगा शायद वो पानी में चली गई है। उसने नजरें नीची करके सिर्फ तट तक देखा तो उसने देखा चमड़े के कपड़े के बगल में सफेद रंग की साड़ी भी पड़ी हुई है। उसे पता चल गया कि उस वस्त्र के बाद भी वो साड़ी पहनती है। वो झाड़ी से नीचे से धीरे धीरे निकल कर चला गया और यह भी ये दिन भी बीत गया। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उस झाड़ी में छुपकर बैठ गया और चमोला के आने का इंतजार करने लगा।
वो आई और उसने सारे जानवरों की रस्सी खोली और फिर खुद नदी के पास नहाने चली गई और उसने अपने जो चमड़े के वस्त्र थे उसने निकाल दिया। उसे देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई अप्सरा खड़ी है। वो अपनी आंखों कोमलता रह गया। वो चेहरा व आंखें व होठ, वही सुंदरता, वही तेज, वही मासूमियत। राजकुमार को चक्कर आने लगे। वो इतना कुछ एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तो वो जा चुकी थी। दिन भी ढल चुका था। वो महल वापस आ गया और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा, क्या मुझे जो लगता वही सच है? लेकिन कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? रेवती तो मर चुकी है और कहाँ चमोला और कहाँ वह? लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं उसकी तरफ खींचा जा रहा है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। इसको भेद को मैं खोलकर ही रहूंगा। राजकुमार हमेशा की तरह दूसरे दिन भी उस झाड़ी में जाकर बैठ गया। चमोला ने जैसे ही कपड़े निकाले और नदी में स्नान करने के लिए गई, राजकुमार ने उसके चमड़े के जोड़ों का उठाया जो चमड़े का जोड़ा था। उसे उठा लिया और अपने पास पड़े खंजर से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। और चमोला जैसे ही बाहर आई उसने अपनी साड़ी बांधी और उसके बाद चमोला की नज़र अपने चमड़े के वस्त्र पर गई, लेकिन वह तो उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी राजकुमार ने आवाज दी, राजकुमारी रेवती। तो वो पीछे मुड़ी। कौन है आप? किसने आवाज दी? ये कौन है? तभी झाड़ियों से राजकुमार बल्लव निकलकर आता है और चमोला को गले लगा लेता है। चमोला थोड़ा सकपका जाती है लेकिन उसे बल्लव की बाहों में पिघलते समय नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये तुम ही हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? कितने जुर्म तुम पर, और अगर तुम जिंदा थी तो अपनी मृत्यु का संदेश क्यों भेजा? लेकिन चमोला सिर्फ रोए जा रही थी। उसने बल्लव को कसकर पकड़ रखा था। दोनों दिन ढलने तक एक दूसरे में समाये रहे। फिर दोनों ही नदी किनारे बैठ गए। पहले तो चमु उधर रोती रही, लेकिन राजकुमार का अपने लिए प्रेम और सम्मान देखते हुए उसने निश्चय किया कि वो बल्लभ को सब बता देगी। उसने फिर शुरू से लेकर अंत तक राजकुमार को सब बता दिया। ये सुनकर बल्लभ भौचक्का रह गया। एक फूल से राजकुमारी, एक नाजुक सी राजकुमारी ने कितना कुछ झेल गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या आप बताती आपको? और किस मुंह से राजकुमारी कहने लगी और अमोदा और ज्यादा बिलख बिलख कर रोने लगी। राजकुमार ने उसे गले लगा लिया। खैर अब जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपने प्यार से तो मैं वो सब भुला जरूर सकता हूँ। और वो क्योंकि मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं होने दूंगा, तो मैं हर वो खुशी लाकर दूंगा जिसकी तुम हकदार रही हो। और यह मत सोचना कि ये सब किसी को पता चलने पर तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होगा। मेरी नजरों में तो तुम्हारा सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है, और साथ में तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी। मुझे गर्व है अपनी जीवन संगिनी पर। राजकुमार अमोदा को अपने साथ महल लेकर आता है। सबको सारी सच्चाई पता चलती है। सब अपने द्वारा कमोदा के ऊपर के अत्याचारों के ऊपर लिए शर्मिंदा होते हैं। राजा को बहुत क्रोध आया कि त्रि पेरू राज्य पर आक्रमण कर उसने अपराधी राजा को अपनी बहू के चरणों में डालना चाहते थे। लेकिन सूचना मिली कि राजा का महीनों पहले देहांत हो गया और पड़ोसी राजा द्वारा उसका राज्य हड़प लिया गया है। राजकुमार बल्लव का अमोदा के साथ दोबारा विवाह हो गया। कमोदा को दोबारा अपना नाम वापस मिल गया। कुछ दिन लगे कमोदा को राजकुमारी रेवती बनने में, लेकिन लंबे अरसे तक वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन उन्होंने बिताया और राजकुमारी रेवती को दोबारा कभी भी अपने जीवन में किसी दुख का सामना नहीं करना पाया। चाहा उसे कोई दुख नहीं मिला और वह रानी बन गई। दोस्तों, कैसे एक राजकुमारी नौकरानी से फिर से रानी बन गई? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।